सविनय अवज्ञा फिर से शुरू। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता पर कांग्रेस कार्य समिति ने 29 दिसंबर को निर्णय लिया 1931 सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू करने के लिए। संघर्ष विराम अवधि के दौरान मार्च दिसंबर 1931 मार्च से दिसंबर 1931 की अवधि के दौरान कुछ गतिविधियों ने अवज्ञा की भावना को जीवित रखा। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस किराए में कमी के लिए और संक्षिप्त बेदखली के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। एनडब्ल्यूएफपी में खुदाई खिदमतगारों और उनके नेतृत्व में किसानों के खिलाफ गंभीर दमन किया गया था, जो सरकार द्वारा कर संग्रह के क्रूर तरीकों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। बंगाल में आतंकवाद से लड़ने के नाम पर कठोर अध्यादेशों और सामूहिक बंदी का इस्तेमाल किया गया था। सितंबर 1931 में हिजली जेल में राजनीतिक बंदियों पर फायरिंग की घटना हुई थी। बाद में बदला सरकार का रवैया। दूसरा, आरटीसी। उच्च ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली संधि से अपना सबक लिया था, जो उन्होंने सोचा था कि कांग्रेस की राजनीतिक प्रतिष्ठा और लोगों के राजनीतिक मनोबल को बढ़ाया था और ब्रिटिश प्रतिष्ठा को कमजोर कर दिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद अंग्रेज इस प्रवृत्ति को उलटने के लिए दृढ़ थे। ब्रिटिश नीति में तीन मुख्य विचार थे। एक, गांधी को टैंप बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी एक बार फिर जन आंदोलन के लिए। दो, कांग्रेस की सद्भावना की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के पदाधिकारियों, वफादारों आदि के खिलाफ अंग्रेजों का समर्थन करने वालों का विश्वास बहुत जरूरी था। तीन, राष्ट्रीय आंदोलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में खुद को मजबूत करें। सीडब्ल्यूसी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू करने का निर्णय लेने के बाद वायसराय विलिंगडन ने 31 दिसंबर को गांधी के साथ एक बैठक से इनकार कर दिया। 4 जनवरी 1932 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी कार्रवाई। दमनकारी अध्यादेशों की एक श्रृंखला जारी की गई, जो एक आभासी मार्शल लॉ की शुरुआत हुई, हालांकि नागरिक नियंत्रण में या एक सिविल मार्शल लॉ। सभी स्तरों पर कांग्रेस संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कार्यकर्ताओं, नेताओं, सहानुभूति रखने वालों की गिरफ्तारी की गई, संपत्ति जब्त कर ली गई। गांधी आश्रमों पर कब्जा कर लिया गया था। दमन महिलाओं पर विशेष रूप से कठोर था। प्रेस का गला घोंट दिया गया और राष्ट्रवादी साहित्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लोकप्रिय प्रतिक्रिया। लोगों ने गुस्से से जवाब दिया, हालांकि अप्रस्तुत प्रतिक्रिया बड़े पैमाने पर थी। केवल पहले 4 महीनों में लगभग 80,000 सत्याग्रही, जिनमें ज्यादातर शहरी और ग्रामीण गरीब थे, को जेल में डाल दिया गया। विरोध के अन्य रूपों में शराब और विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों का धरना, अवैध सभा, अहिंसक प्रदर्शन, राष्ट्रीय दिवस का उत्सव, राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीकात्मक फहराना, चौकीदार कर का भुगतान न करना, नमक सत्याग्रह, वन कानून का उल्लंघन और स्थापना शामिल हैं। बॉम्बे के पास एक गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर। सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह चरण 2 रियासतों कश्मीर और अलवर में उभार के साथ हुआ, लेकिन इस चरण के आंदोलन लंबे समय तक कायम नहीं रह सका, क्योंकि गांधी और अन्य नेताओं के पास गति बढ़ाने का समय नहीं था तथा जनता तैयार नहीं थी। अंत में अप्रैल 1934 में गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। हालांकि लोगों को एक बेहतर ताकत ने दबा दिया था, उन्होंने कांग्रेस में अपना राजनीतिक विश्वास नहीं खोया था, उन्होंने अपने दिलों में आजादी जीती थी। सांप्रदायिक पुरस्कार और पूना पैक्ट। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को की थी। भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लोथियन समिति भी कहा जाता है, के निष्कर्षों के आधार पर सांप्रदायिक पुरस्कार ने अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीटों की स्थापना की, दलित वर्गों सहित जिन्हें 78 आरक्षित सीटें प्रदान की गईं।
इस प्रकार यह पुरस्कार अलग से प्रदान किया गया। मुसलमानों, यूरोपियनों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, दलित वर्गों और यहाँ तक बंबई की कुछ सीटों के लिए मराठों के लिए निर्वाचक मंडल। इस पुरस्कार को कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय नेताओं द्वारा फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति की एक और अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता था। यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अतीत में साइमन कमीशन को अपनी गवाही में इस बात पर जोर दिया था कि दलित वर्गों को सवर्ण हिंदुओं से अलग एक अलग स्वतंत्र अल्पसंख्यक के रूप में माना जाना चाहिए। यहाँ तक बंगाल डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन ने भी अलग निर्वाचक मंडल की पैरवी की थी, जिसमें कुल आबादी के साथ साथ वयस्क मताधिकार के लिए दलित वर्ग के सदस्यों के अनुपात के अनुसार सीटें आरक्षित थीं। लेकिन साइमन कमीशन ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हालांकि इसने सीटों को आरक्षित करने की अवधारणा को बरकरार रखा। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने फिर से दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का मुद्दा उठाया। इससे पहले सम्मेलन में अंबेडकर ने एक आम मतदाता में आरक्षित सीटों पर गांधी के साथ समझौता करने का प्रयास किया था, लेकिन गांधी, जिन्होंने खुद को भारत के उत्पीड़ित जनता का एकमात्र प्रतिनिधि घोषित किया था, ने अंबेडकर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और अन्य प्रतिनिधियों को गैर प्रतिनिधि के रूप में निंदा की। इसके अलावा गांधी ने मुसलमानों के साथ एक समझौता करने का प्रयास किया, उनकी मांगों का समर्थन करने का वादा करते हुए, जब तक मुसलमानों ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के खिलाफ मतदान किया। यह तर्क दिया जाता है कि राजनीतिक विचारों ने गांधी को ऐसा रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया होगा। लेकिन इस तरह के प्रयासों के बावजूद भारतीय प्रतिनिधियों के बीच अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व पर आम सहमति नहीं बन पाई। ऐसी स्थिति के मद्देनजर अल्पसंख्यकों पर समिति की अध्यक्षता करने वाले रामसे मैकडॉनल्ड ने इस शर्त पर मध्यस्थता की पेशकश की कि समिति के अन्य सदस्यों ने उनके फैसले का समर्थन किया, और इस मध्यस्थता का परिणाम सांप्रदायिक पुरस्कार था। सांप्रदायिक पुरस्कार के मुख्य प्रावधान मुस्लिम, यूरोपीय, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो भारतीयों, दलित वर्गों, महिलाओं और यहाँ तक मराठों को भी अलग निर्वाचक मंडल मिलना था। दलित वर्गों के लिए ऐसी व्यवस्था 20 वर्ष की अवधि के लिए की जानी थी। डॉट प्रांतीय विधायिकाओं में सीटें होनी थी सांप्रदायिक आधार पर वितरित। डॉट प्रांतीय विधायिकाओं की मौजूदा सीटों को दोगुना किया जाना था। मुसलमान जहां भी वे अल्पमत में थे वेटेज दिया जाना है। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को छोड़कर 3 प्रति सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 100% सीटें आरक्षित की जानी थी। दबे कुचले वर्गों को घोषित समायोजित किया जाना था। अल्पसंख्यक की स्थिति, दबे कुचले वर्गों को दोहरा वोट मिलना था, एक को अलग निर्वाचक मंडलों के माध्यम से और दूसरे को सामान्य निर्वाचक मंडल में इस्तेमाल किया जाना था। मजदूरों के लिए सीटों का आवंटन किया जाना था, जमींदार, व्यापारी और उद्योगपति। डॉट बंबई प्रांत में मराठों के लिए 7 सीटें आवंटित की जानी थी। कांग्रेस स्टैंड, हालांकि कांग्रेस अलग निर्वाचक मंडल का विरोध कर रही थी, बिना सांप्रदायिक अधिनिर्णय को बदलने के पक्ष में नहीं। अल्पसंख्यकों की सहमति इस प्रकार, जबकि दृढ़ता से असहमत। सांप्रदायिक पुरस्कार के साथ कांग्रेस ने न तो फैसला किया इसे स्वीकार करें और न ही इसे अस्वीकार करें। दलित वर्गों को अलग राजनीतिक मानकर बाकी हिंदुओं से अलग करने का प्रयास सभी राष्ट्रवादियों द्वारा संस्थाओं का घोर विरोध किया गया। गांधी की प्रतिक्रिया, गांधी ने सांप्रदायिक पुरस्कार को भारतीय एकता और राष्ट्रवाद पर हमले के रूप में देखा। उन्होंने सोचा कि यह हिंदू धर्म और दलित वर्गों दोनों के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसने दलित वर्गों की सामाजिक रूप से निम्न स्थिति का कोई जवाब नहीं दिया।
एक बार दलित वर्गों को एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में माना जाने के बाद उन्होंने तर्क दिया, अस्पृश्यता को खत्म करने का सवाल कमजोर हो जाएगा जबकि अलग निर्वाचक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि अछूत हमेशा के लिए अछूत बने रहें। उन्होंने कहा कि दलित वर्गों के तथाकथित हितों की रक्षा करने की नहीं बल्कि छुआछूत की जड़ और शाखा उन्मूलन की आवश्यकता है। गांधी ने मांग की कि दलित वर्गों का चुनाव किया जाए संयुक्त रूप से और यदि संभव हो तो सार्वभौमिक मताधिकार के माध्यम से एक व्यापक मतदाता, जबकि बड़ी संख्या में आरक्षित सीटों की मांग पर कोई आपत्ति नहीं व्यक्त की। और अपनी मांगों को रखने के लिए उन्होंने 20 सितंबर 1932 को अनिश्चितकालीन अनशन पर चले गए। अब B.R. अम्बेडकर, M.C. राजा और मदन मोहन मालवीय ने मिलकर पूना पैक्ट में एक समझौता किया। पूना पैक्ट B.R. द्वारा हस्ताक्षरित 24 सितंबर 1932 को दलित वर्गों की ओर से अंबेडकर ने पूना पैक्ट में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विचार को त्याग दिया, लेकिन दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों को प्रांतीय विधानसभाओं में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% कर दिया गया। पूना पैक्ट को सरकार ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में स्वीकार किया। दलितों पर पूना समझौते का प्रभाव दलित वर्गों को कुछ राजनीतिक अधिकार देने के बावजूद पूना समझौता दलित वर्ग की मुक्ति के वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। इसने उसी पुरानी हिंदू सामाजिक व्यवस्था को जारी रखने में सक्षम बनाया और कई लोगों को जन्म दिया। समस्या: समझौते ने दलित वर्गों को राजनीतिक उपकरण बना दिया जिसका इस्तेमाल बहुसंख्यक जाति के हिंदू संगठन कर सकते थे। डॉट इसने दलित वर्गों को नेतृत्व विहीन बना दिया क्योंकि वर्गों के सच्चे प्रतिनिधि सवर्ण हिंदू संगठनों द्वारा चुने गए और समर्थित कठपुतलियों के खिलाफ जीतने में असमर्थ थे। इसके कारण दलित वर्ग राजनीतिक, वैचारिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में यथास्थिति के अधीन हो गए और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ने के लिए स्वतंत्र और वास्तविक नेतृत्व विकसित करने में सक्षम नहीं हुए। डॉट इसने दबे कुचले वर्गों को अपने अधीन कर लिया, हिंदू सामाजिक व्यवस्था को अलग करने से इनकार करते हुए। अलग अस्तित्व: पूना पैक्ट शायद समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित एक आदर्श समाज के रास्ते में रुकावट डालता है। राष्ट्रीय जीवन में दलितों को एक अलग और विशिष्ट तत्व के रूप में मान्यता देने से इनकार करते हुए इसने स्वतंत्र भारत के संविधान में दलितों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों को पहले से ही खाली कर दिया। संयुक्त निर्वाचक मंडल और दलित वर्गों पर इसका प्रभाव: अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की कार्यकारिणी समिति ने आरोप लगाया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुए पिछले चुनावों में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली ने अनुसूचित जातियों को विधानसभाओं में सच्चे और प्रभावी प्रतिनिधि भेजने के अधिकार से वंचित कर दिया। समिति ने आगे कहा कि संयुक्त निर्वाचक मंडल के प्रावधानों ने हिंदू बहुसंख्यकों को अनुसूचित जातियों के सदस्यों को नामित करने का आभासी अधिकार दिया, जो हिंदू बहुसंख्यक के औजार बनने के लिए तैयार थे। इस प्रकार महासंघ की कार्य समिति ने पृथक निर्वाचक मंडलों की प्रणाली की बहाली और संयुक्त निर्वाचक मंडलों और आरक्षित सीटों की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद भी डॉक्टर B.R. 1947 तक अंबेडकर पूना पैक्ट की निंदा करते रहे। गांधी का हरिजन अभियान और जाति पर विचार, सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति के विभाजनकारी इरादों को पूर्ववत करने के लिए गांधी ने अपनी अन्य सभी व्यस्तताओं को छोड़ दिया और अस्पृश्यता के खिलाफ एक बवंडर अभियान शुरू किया, पहले जेल से और फिर अगस्त 1933 में जेल से बाहर अपनी रिहाई के बाद। जेल में रहते हुए उन्होंने सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की और जनवरी 1933 में साप्ताहिक हरिजन की शुरुआत की। अपनी रिहाई के बाद वे वर्धा में सत्याग्रह आश्रम में स्थानांतरित हो गए।
क्योंकि उन्होंने 1930 में साबरमती आश्रम में वापस नहीं आने की कसम खाई थी। जब तक स्वराज नहीं जीता, वर्धा से शुरू होकर उन्होंने नवंबर 1933 से जुलाई 1934 की अवधि में देश का हरिजन दौरा किया, जिसमें 20,000 किलोमीटर की दूरी तय की, अपने नए स्थापित हरिजन सेवक संघ के लिए धन इकट्ठा किया और इसके सभी रूपों में अस्पृश्यता को दूर करने का प्रचार किया। उन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं से गांवों में जाने का आग्रह किया और हरिजनों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए काम करते हैं। उन्होंने अपने प्रयासों की गंभीरता और मुद्दे के महत्व के बारे में अपने अनुयायियों को समझाने के लिए 8 मई और 16 अगस्त 1934 को दो अनशन किए। इन अनशनों ने राष्ट्रवादी खेमे में खलबली मचा दी और कई लोगों को भावनात्मक संकट में डाल दिया। अपने पूरे अभियान के दौरान गांधी पर रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी तत्वों द्वारा हमला किया गया था। इन तत्वों ने उनकी सभाओं को बाधित किया, उनके खिलाफ काले झंडे का प्रदर्शन किया और उन पर हिंदू धर्म पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस और सविनय अवज्ञा आंदोलन के खिलाफ सरकार को समर्थन देने की भी पेशकश की। अगस्त 1934 में मंदिर प्रवेश विधेयक को हराकर सरकार ने उन्हें बाध्य किया। बंगाल में रूढ़िवादी हिंदू राय पूना पैक्ट द्वारा स्थायी जाति हिंदू अल्पसंख्यक का दर्जा स्वीकार करने के खिलाफ थी। अपने हरिजन दौरे, सामाजिक कार्य और उपवास के दौरान गांधी ने कुछ विषयों पर जोर दिया। समाज में हरिजनों पर जिस तरह का अत्याचार होता था, उन्होंने अस्पृश्यता के पूर्ण उन्मूलन का आह्वान किया। खुले मंदिरों को फेंकने की उनकी याचिका के प्रतीक के रूप में अछूत, उन्होंने हरिजनों पर हुए अनकहे दुखों के लिए सवर्ण हिंदुओं को तपस्या करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस कारण वे अंबेडकर जैसे अपने आलोचकों के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं थे। उन्होंने कहा, अगर अस्पृश्यता जीवित है तो हिंदू धर्म मर जाता है, अगर हिंदू धर्म को जीना है तो अस्पृश्यता को मरना होगा। उनका पूरा अभियान मानवतावाद और तर्क के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने कहा कि शास्त्र छुआछूत को मंजूरी नहीं देते हैं और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि यह मानवीय गरिमा के खिलाफ है। गांधी अस्पृश्यता को दूर करने के मुद्दे को अंतरजातीय विवाह और अंतरजातीय भोजन के साथ मिलाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगा कि इस तरह के प्रतिबंध सवर्ण हिंदुओं और स्वयं हरिजनों के बीच मौजूद हैं, और क्योंकि उस समय अखिल भारतीय अभियान हरिजनों के लिए विशिष्ट विकलांगों के खिलाफ निर्देशित किया गया था। इसी तरह उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन और जाति व्यवस्था के उन्मूलन के बीच अंतर किया। इस पर वह अंबेडकर से भिन्न थे, जिन्होंने अस्पृश्यता को दूर करने के लिए जाति व्यवस्था के उन्मूलन की वकालत की थी। गांधी ने महसूस किया कि वर्णाश्रम प्रणाली की सीमाएं और दोष जो भी हो, उसमें कुछ भी पापपूर्ण नहीं था, क्योंकि छुआछूत के बारे में था। गांधी ने महसूस किया कि अस्पृश्यता उच्च और निम्न के भेदों का उत्पाद है, न कि स्वयं जाति व्यवस्था की। यदि इसे इस भेद से मुक्त किया जा सकता है तो वर्णाश्रम इस तरह से कार्य कर सकता है कि प्रत्येक जाति उच्च या निम्न होने के बजाय दूसरे की पूरक होगी। वैसे भी उन्हें उम्मीद थी कि जाति व्यवस्था के आस्तिक और आलोचक अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई में एक साथ आएंगे। उनका मानना कि अस्पृश्यता को हटाने से सांप्रदायिक और अन्य सवालों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अस्पृश्यता के विरोध का मतलब उच्चता और नीचता की धारणा का विरोध करना है। वह रूढ़िवादी हिंदुओं के खिलाफ मजबूरी का इस्तेमाल करने के विरोध में थे, जिन्हें उन्होंने सनातनियों कहा था। उन्हें उनके तर्क और उनके दिलों की अपील करके अनुनय विनय के द्वारा जीता जाना था। उनके उपवास का उद्देश्य मित्रों और अनुयायियों को अपने काम को दोगुना करने के लिए प्रेरित करना था। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए गांधी के हरिजन अभियान में हरिजनों द्वारा आंतरिक सुधार का एक कार्यक्रम शामिल था, जिसमें शिक्षा, स्वच्छता,
स्वच्छता, गोमांस और मांस खाना और शराब का सेवन और आपस में अस्पृश्यता को दूर करना शामिल था। अभियान का प्रभाव। गांधी ने बार बार अभियान को एक राजनीतिक आंदोलन नहीं बल्कि मुख्य रूप से हिंदू धर्म और हिंदू समाज को शुद्ध करने के रूप में वर्णित किया। धीरे धीरे इस अभियान ने हरिजनों तक राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचाया, जो देश के अधिकांश हिस्सों में खेतिहर मजदूर भी थे, जिससे राष्ट्रीय और किसान आंदोलनों में उनकी बढ़ती भागीदारी हुई। गांधी और अंबेडकर के बीच वैचारिक मतभेद और समानताएं। गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख वास्तुकार और बीआर स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रमुख निर्माता अंबेडकर ने कई विचारों को साझा किया, हालांकि कई मायनों में वे अलग अलग विश्वास रखते थे। दोनों व्यक्तियों के कुछ कार्यों में शामिल प्रतीकात्मकता में एक उल्लेखनीय समानता है। गांधी द्वारा विदेशी कपड़े को जलाना और अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति को जलाना केवल भावना के कृत्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि विदेशी कपड़ा और मनुस्मृति भारत के लिए बंधन और गुलामी का प्रतिनिधित्व करते थे। इसी तरह समुद्र से एक चुटकी नमक और महार तालाब से पानी की एक बूंद राजनीतिक रेचन और सामाजिक दर्शन के कार्य थे। गांधी का मानना कि स्वतंत्रता कभी नहीं दी जानी चाहिए बल्कि उन लोगों द्वारा अधिकार से छीन ली जानी चाहिए जो इसे चाहते हैं, जबकि अंबेडकर शाही शासकों द्वारा स्वतंत्रता प्रदान करने की अपेक्षा करते थे। सरकार के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की प्रकृति और दायरे को लेकर दोनों नेताओं में मतभेद था। अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत के लिए संसदीय शासन प्रणाली की वकालत की, लेकिन गांधी के मन में संसदीय शासन प्रणाली का बहुत कम सम्मान था। गांधी का मानना कि नेताओं के वर्चस्व की प्रवृत्ति के साथ लोकतंत्र बड़े पैमाने पर लोकतंत्र में परिवर्तित हो जाता है। अंबेडकर का झुकाव जन लोकतंत्र की ओर था क्योंकि यह उत्पीड़ित लोगों की उन्नति के साथ सरकार पर दबाव के रूप में कार्य कर सकता था। एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अंबेडकर के कुछ सिद्धांत थे जो बहुत कठोर थे, जबकि गांधी के पास अहिंसा की अधिक धारणा के अलावा विचारधारा या सिद्धांतों की कोई कठोरता नहीं थी। गांधी ने 20वीं सदी की राजनीतिक धाराओं जैसे उदारवाद, साम्यवाद और फासीवाद के लिए सरल व्यवहारिक विकल्पों को सामने रखने की कोशिश की। दूसरी ओर अंबेडकर का उदारवादी विचारधारा और वांछित संस्थागत ढांचे और संरचनाओं के लिए एक स्वाभाविक झुकाव था। अंबेडकर की राजनीति ने भारतीय एकता के पहलू को उजागर करने की कोशिश की, जबकि गांधीवादी राजनीति ने भारतीय एकता के पहलू को दिखाने की कोशिश की। हिंद स्वराज में गांधी यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि भारत हमेशा शाही शासन की शुरुआत से पहले एक राष्ट्र रहा है और यह ब्रिटिश शासन था जिसने इस सांस्कृतिक एकता को तोड़ा था। दूसरी ओर अंबेडकर इस धारणा में विश्वास करते थे कि भारतीय एकता शाही राज्य द्वारा शुरू की गई कानूनी व्यवस्था का उपोत्पाद है। गांधी के लिए ग्रामराज ग्रामराज था और भारतीयों के लिए वास्तविक स्वतंत्रता थी, लेकिन अंबेडकर के लिए भारतीय गांवों की यथास्थितिवादी प्रकृति ने समानता और बंधुत्व और स्वतंत्रता को भी नकार दिया। जातिवाद और अस्पृश्यता के अभिशाप के रूप में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। अंबेडकर का मानना कि ग्रामराज भेदभाव और असमानता के आधार पर सामाजिक पदानुक्रम को जारी रखेंगे, इसलिए उन्होंने जोरदार प्रचार किया कि भारतीय ग्राम व्यवस्था पर गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। सामाजिक एकीकरण के साथ साथ सामाजिक सुधारों के लिए मजबूरी या बल प्रयोग के विचार को अंबेडकर ने नकार दिया था, लेकिन व्यक्ति को परिवर्तन, सुधार और एकीकरण की इच्छा बनाने के लिए उचित शिक्षा का विचार वह रुख था जहां दो नेताओं के विचार समान थे। वंचित वर्गों के लिए विकास के संदर्भ में दोनों नेताओं के विचारों और दृष्टिकोणों में भी मतभेद थे। उदाहरण के लिए जब गांधी ने दलित वर्गों और अछूतों को हरिजन नाम दिया तो अंबेडकर ने इसे एक चतुर योजना के रूप में निरूपित किया।
इस प्रकार जब डिप्रेस्ड क्लासेस लीग का नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ गांधी द्वारा कर दिया गया, तो अंबेडकर ने यह दावा करते हुए संगठन छोड़ दिया कि गांधी के लिए अस्पृश्यता को हटाना केवल एक मंच था, न कि एक ईमानदार कार्यक्रम। अंबेडकर ने माना कि धर्म का केंद्र मनुष्य और मनुष्य के बीच होना चाहिए, न कि केवल मनुष्य और ईश्वर के बीच, जैसा कि गांधी ने उपदेश दिया था। शुरुआत में अंबेडकर भी हिंदू धर्म में प्रचलित कुरीतियों को पूरी तरह से नष्ट करने के बजाय सुधार और पुनर्निर्माण के प्रयास में दूर करना चाहते थे, लेकिन अपने जीवन के बाद के चरण में उन्होंने हिंदू धर्म को एक ऐसी इकाई के रूप में निरूपित करते हुए छोड़ दिया जिसे सुधारा नहीं जा सकता। अंबेडकर ने वेदों और अन्य हिंदू शास्त्रों की निंदा की। उनका मानना कि हिंदू धर्म ग्रंथ खुद को एक एकीकृत और सुसंगत समझ के लिए उधार नहीं देते हैं और सभी संप्रदायों के भीतर और मजबूत अंतर विरोधों को दर्शाते हैं, और जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता हिंदू धार्मिक शास्त्रों की अभिव्यक्तियां थीं। इसके विपरीत गांधी ने माना कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था का धार्मिक उपदेशों और आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। गांधी के लिए जाति और वर्ण अलग हैं और जाति विकृत पतन है। राजनीतिक उपदेशों में अंबेडकर धर्म की स्वतंत्रता, स्वतंत्र नागरिकता और राज्य और धर्म को अलग करने में विश्वास करते थे। गांधी ने धर्म की स्वतंत्रता के विचार का भी समर्थन किया, लेकिन राजनीति और धर्म को अलग करने को कभी मंजूरी नहीं दी। लेकिन सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में धर्म दोनों नेताओं द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया गया था। दोनों ने सिद्धांत और कुछ भी सोच में निंदा की। जिसने किसी व्यक्ति के जीवन में या समाज के जीवन में धर्म की भूमिका को या तो कम कर दिया। अंबेडकर ने सीमित संप्रभु शक्ति की परिकल्पना की थी, राज्य और उसके बाद सरकार के लिए सीमित अधिकार। उनके अनुसार कानूनी संप्रभु शक्ति सीमित होनी चाहिए और लोगों को अंतिम संप्रभु होना चाहिए। गांधी भी राज्य की सीमित संप्रभु शक्ति में विश्वास करते थे। उनके अनुसार राज्य की पूर्ण संप्रभु शक्ति व्यक्ति की आत्मा और व्यक्तित्व को नष्ट कर देगी। गांधी वास्तव में कम से कम शासन को सर्वोत्तम शासन मानते थे। हिंसा और अहिंसा की धारणाओं को गांधी और अंबेडकर से अलग अलग व्याख्याएं मिली। अंबेडकर ने पूर्ण अहिंसा को एक अंत और सापेक्ष हिंसा को एक साधन के रूप में रखा, जबकि गांधी ने कभी ऐसा भेद नहीं किया और किसी भी प्रकार की हिंसा के एक स्पष्ट विरोधी थे। अंबेडकर साध्य और न्यायसंगत साधनों की शुद्धता में उस समय विश्वास करते थे जब साध्य न्यायपूर्ण था, जबकि गांधीवादी धारणा में यह साधनों की शुद्धता थी जिसने अंत निर्धारित किया। गांधी और अंबेडकर के विचारों में बहुत अंतर था। भारी मशीनरी के उत्पादन और उपयोग के मशीनीकरण के संबंध में गांधी मशीनीकरण के मानवीकरण के प्रभाव के बारे में आशंकित थे और इसे दुनिया में शोषक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के निर्माण के साथ साथ बनाए रखने के लिए जिम्मेदार ठहराया। दूसरी ओर अंबेडकर ने मशीनरी के बुरे प्रभाव के लिए गलत सामाजिक संगठनों को जिम्मेदार ठहराया, जिन्होंने निजी संपत्ति को पवित्रता दी और व्यक्तिगत लाभ की खोज की। अंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि मशीनरी और आधुनिक सभ्यता सभी के लिए लाभकारी हैं, और यह मानते थे कि एक लोकतांत्रिक समाज का नारा मशीनरी और अधिक मशीनरी, सभ्यता और बहुत कुछ होना चाहिए। सभ्यता लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीकों से सामाजिक परिवर्तन के विचार को अंबेडकर का भी समर्थन मिला। राय इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि अंबेडकर और गांधी को सामाजिक बुराई और साम्राज्यवादी अन्याय के लिए समान एलर्जी थी, लेकिन एक मौलिक अंतर, वास्तविक से अधिक स्पष्ट, ने दोनों दिमागों का सीमांकन किया। जस्टिस कृष्णा लिया गांधी, उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार के हिंसक तख्तापलट की मांग नहीं की। अंबेडकर सामाजिक व्यवस्था के कुंद विनाश की याचना करने से बाज नहीं आए, हालांकि यह बुराई थी, और गांधी की तरह
वह उत्पीड़ित वर्गों के शांतिपूर्ण पुनर्वास के माध्यम से सामाजिक असामंजस्य और विघटन की समस्या को हल करना चाहते थे। अंबेडकर और गांधी के लक्षित समूह अलग अलग थे, भले ही वे कुछ बिंदुओं पर एकत्रित हुए हों। दोनों के संचार और लामबंदी के तरीके और कौशल अलग अलग थे। गांधी सादे स्थानीय भाषा में बोलते थे, जबकि अंबेडकर अंग्रेजी में बोलते थे। कानून को और अधिक न्यायसंगत बनाने के लिए कानून की अवज्ञा करना गांधीवादी सिद्धांत था। इसकी बाहरी अभिव्यक्तियां असहयोग, हड़ताल, सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा थी। अंबेडकर का झुकाव राजनीतिक प्रक्रिया में कानून और संवैधानिकता के पालन की ओर अधिक था। गांधी अछूतों को पूरे हिंदू के अभिन्न अंग के रूप में देखते थे, जबकि अंबेडकर का इस मुद्दे पर एक अस्पष्ट रुख था। अंबेडकर अछूतों को एक धार्मिक अल्पसंख्यक मानते थे, न कि हिंदू समुदाय का हिस्सा, और उन्हें राजनीतिक अल्पसंख्यक या बल द्वारा अल्पसंख्यक कहना पसंद करते थे। गांधी के लिए अस्पृश्यता भारतीय समाज के सामने आने वाली कई समस्याओं में से एक थी। अंबेडकर के लिए अस्पृश्यता एक प्रमुख समस्या थी जिसने उनका एकमात्र ध्यान खींचा। अंबेडकर ने समस्या का उसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विस्तृत अध्ययन किया, जबकि गांधी की समसामयिक स्थिति में समस्या से अधिक सरोकार था। अंबेडकर अस्पृश्यता की समस्या को कानूनों और संवैधानिक तरीकों के माध्यम से हल करना चाहते थे, जबकि गांधी छुआछूत को एक नैतिक कलंक के रूप में मानते थे और चाहते थे कि इसे प्रायश्चित के कृत्यों से मिटा दिया जाए। गांधी के पास कानूनी संवैधानिक तरीकों का बहुत कम उपयोग था। उन्होंने नैतिकता की ओर देखा और इस तरह बुराई को दूर करने के लिए विवेक का समर्थन किया। सारांश: कलकत्ता कांग्रेस सत्र, दिसंबर 1928, सरकार को डोमिनियन स्टेटस स्वीकार करने के लिए एक साल का अल्टीमेटम या फिर सविनय अवज्ञा पूरी तरह से शुरू करने के लिए। आजादी: लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, दिसंबर 1929, कांग्रेस ने अपने लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाया। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। पूरे देश में ई दांडी मार्च, मार्च 12, अप्रैल 6, 1930, गांधी के नेतृत्व में तमिल में नमक सत्याग्रह का प्रसार हुआ। नाडू, मालाबार, आंध्र, असम, बंगाल, विरोध के अतिरिक्त रास्ते के साथ आंदोलन का प्रसार। NWFP में खुदाई खिदमतगार सक्रिय। धरसाना में शोलापुर नमक सत्याग्रह में कपड़ा मजदूर सक्रिय। बिहार में नो चौकीदार टैक्स कैंपेन। बंगाल में चौकीदार विरोधी और संघ विरोधी बोर्ड। गुजरात में कर नहीं आंदोलन। महाराष्ट्र, कर्नाटक में वन कानूनों की सविनय अवज्ञा और मध्य प्रांत, असम में कनिंगम सकुलर के खिलाफ आंदोलन। यूपी में कोई किराया अभियान नहीं, महिलाओं, छात्रों, मुसलमानों के कुछ वर्गों, व्यापारियों और छोटे व्यापारियों, आदिवासियों, श्रमिकों और की सामूहिक भागीदारी। किसानों, गांधी इरविन समझौता, मार्च 1931। कांग्रेस द्वितीय RTC में भाग लेने और CDM को वापस लेने पर सहमत हुई। कराची कांग्रेस अधिवेशन, मार्च 1931। गांधी और इरविन के बीच दिल्ली समझौते का समर्थन किया। आर्थिक कार्यक्रम और मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया। गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में द्वितीय RTC दक्षिणपंथी को रियायतों के खिलाफ। भारतीयों, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के सवाल पर सत्र गतिरोध बना रहा। दिसंबर 1931, अप्रैल 1934, दूसरा चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन। कम्युनल अवार्ड 1932 और पूना पैक्ट ने दलित वर्गों को अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया। राष्ट्रवादियों ने इसे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा माना। गांधी के आमरण अनशन सितंबर 1932 के कारण पूना समझौता हुआ, जिसने दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में वृद्धि के पक्ष में पृथक निर्वाचक मंडल को छोड़ दिया। दलित वर्गों पर पूना समझौते का प्रभाव।
संयुक्त मतदाता और दलित वर्गों पर इसका प्रभाव, गांधी और अंबेडकर के विचारों के बीच अंतर और समानताएं।